नमस्कार दोस्तों, इंडियन फूड रेसिपी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटे मटर, जिसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम छिले हुए मटर, 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच शक्कर, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक। तो आइए शुरू करते हैं हम चटपटे मटर बनाना। चटपटे मटर बनाने के लिए हमने ये पैन गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये तेल। तेल को थोड़ा अच्छे से गरम होने देंगे हम। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे हम हल्का सा मिक्स करेंगे इसमें। हल्का सा ब्राउन करेंगे हम। ये हल्का सा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे ये मटर। स्वाद अनुसार नमक भी डाल लेंगे इसमें हम। शुगर डाल लेंगे इसमें। हम शुगर इसलिए डाल रहे हैं जिससे इससे मटर का कलर एकदम हरा रहता है। इसे भी हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ये थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है। पानी हमने इसमें इसलिए डाला है ताकि ये जले ना। अब हम इसे ढककर पकने देंगे सॉफ्ट होने तक, और हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। 10 से 15 मिनट में ये मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। हम मटर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मटर का पानी बिल्कुल सूख गया है और ये अच्छे से पक गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें ये डालेंगे चाट मसाला, और ये चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे हम। ये हमारे चटपटे मटर बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इन्हें हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। चटपटे मटर सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।